अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आपके तक बर वक्त पहुँच सके। तो आज की मेरी शानदार सी रेसिपी है फ्रेश आलू बुखारा की चटनी भी इसको कहते हैं और मुरब्बा भी कहते हैं। इतनी आसानी से और बहुत मुख्तसर से घर के ही इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाने वाली आलू बुखारे की चटनी या आलू बुखारे का मुरब्बा हम कैसे तैयार करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी की। ये मैंने कैसे बनाया, फ्रेश आलू बुखारा चटनी बनाने के लिए आलू बुखारा मैंने ले लिया 1 kg। इसको अच्छी तरह से धो लिया है, ज्यादा पक्का होना नहीं चाहिए, ये इसी तरह का कच्चा पक्का सा होना चाहिए तो चटनी का टेस्ट ज्यादा अच्छा बनता है, यानी खट्टा मीठा बहुत ही जबरदस्त सा लगता है। तो धोने के बाद पैन में ट्रांसफर कर लिया, तो इसी के साथ मैं इस पे डाल दूंगी 1.5 glass पानी, 1 cup भर के चीनी का, ये भी डाल देते हैं साथ के साथ ही, और फ्लेम को कर देते हैं ऑन। अच्छा सा बॉइल आने का वेट करती हूँ। पानी में बबल आना शुरू हो गए हैं तो बस इसी स्टेज पे हमने इसको कवर कर देना है और लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट में ढांप के छोड़ दूंगी। 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, तो देखिए माशाल्लाह इसका छिलका जो है वो उतर गया, यानी इसी के अंदर है। हमने ना छिलका रिमूव करना है और ना ही इसके जो सीड्स होते हैं वो रिमूव करने हैं, तो हमने इसी तरह इसको पकाना है। इसका अपना कलर ही जबरदस्त आएगा, ना हमें कोई आर्टिफिशियल कलर डालने की जरूरत है, ना और कोई किसी किस्म का केमिकल डालने की हमें जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा ये खट्टा होता है और थोड़ा मीठा होता है, कुछ हमने चीनी डाली है, तो जिसकी वजह से बहुत ही जबरदस्त सा ये मीठा बन के हमारा तैयार हो जाएगा। मीठी चटनी भी कहते हैं इसको, मीठा मुरब्बा भी कहते हैं, खानों के साथ भी यूज होता है और इसको नीट भी बच्चे भी बड़े सब शौक से खाते हैं। तो अब इस स्टेज पे मैं इसको खुले पे ही पकाऊंगी, यानी मैं इसको ढाम के नहीं पकाऊंगी, ताकि इसका सिरप जो है वो थोड़ा थिक सा हो जाए, जैसे कि चटनी या मुरब्बे का होता है। तो इस तरह करते हुए मैं इसको छोड़ देती हूँ अब तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, इतने में इंशाल्लाह ये इसका सिरप थिक हो जाएगा तो चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। तो दिखाती हूँ मैं 4 से 5 मिनट के बाद, ढक्कन हटा के पकाते हुए तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो देखिये मछला कितने सॉफ्ट हो गए हैं जितने हमें चाहिए, और इसका सिरप भी जो तैयार हुआ है ये भी इसके इसकी जो थिकनेस है उतनी हो गई है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थिक होगा, तो हमें बस इतना ही चाहिए। तो बस इसी स्टेज पे मैं फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ और इसका ठंडा होने का वेट करती हूँ, तो डिश आउट करती हूँ। आलू बुखारे की मजेदार सी चटनी हमारी बन के तैयार हो गई है। देखिये माशाल्लाह रंगत इसकी कितनी ही शानदार है और इतनी ही खाने में मजेदार है। प्रिजर्वेटिव हमने इसलिए नहीं डाला कि ये रहती नहीं, ये रह ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, बच्चे भी पसंद करते हैं और बड़े भी पसंद करते हैं। बहुत जबरदस्त सी तैयार हो जाने वाली, जल्दी से तैयार हो जाने वाली हमारी फ्रेश आलू की चटनी या मुरब्बा भी इसको कह सकते हैं। तो ये बन के माशाल्लाह से तैयार हो गया है, तो इसको आप अपने मुताबिक कोई भी मेवा जार डाल के इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ बादाम है तो मैं कुछ बादाम डाल रही हूँ इसके ऊपर। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप इस ट्रिप एंड ट्रिक को फॉलो करते हुए आप भी सीजन है शानदार सा फ्रेश आलू बुखारे की चटनी मुरब्बा घर में तैयार कर सकते हैं, तो खाने में इंतहाई मजेदार और रंगत में बहुत ही लाजवाब। हमने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला, नेचुरल कलर और नेचुरल चीजों से तैयार हो जाने वाली आलू बुखारे की इंतहाई मजेदार सी चटनी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।